हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इटर्निटी। यहाँ पे हम क्लास 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड वगैरह होता क्या है। इसमें गाइस हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आइए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रो से आपको क्या समझ आता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है ये जो है, इलेक्ट्रो का मतलब वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और ये स्टैटिक मतलब तो आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ जब रेस्ट में होती है तो इसका मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब क्या हो गया स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है आपका चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है किसी, जैसे कि कोई भी चीज़ जो है चार्ज है स्टैटिक, मतलब कि कुछ रुका हुआ जो चार्ज है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे किसी स्थिर जो भी एक रेस्ट में जो चार्ज है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्स फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल arising from the static charge। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स का एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें आपको पढ़ना होता है फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग, यानी कि कहाँ पर से आ रहा है, तो स्टैटिक चार्ज मतलब कोई रुका हुआ चार्ज से फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल, जो रुका हुआ चार्ज उसका हम लोग फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आइए इसे समझते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन इसका। इलेक्ट्रिक चार्ज इज the force of attraction and repulsion between two or more objects। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा आपका कि ये जो है आपका फोर्स है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स है। कभी होता है जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे ए और बी, ये कोई वस्तु है, तो ये दोनों का बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से, ये जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन और रिपल्सन का, या तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेगा या तो फिर एक दूसरे को ढकेलेगा, मतलब दूर करने का कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स है, वो आपका मेनली दो तरह का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि नेचर में ना इलेक्ट्रिक चार्ज का दो टाइप पाया जा सकता है, या तो वो होगा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका, इसे फाउंड किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इट वाज इस नेम्ड बाय बेंजामिन
फ्रैंकलिन। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आपका, जैसे कि आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, तो जैसे कि अगर ये कोई चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये कोई चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेगा, ढकेलेगा, यानी रिपल्सन का चार्ज होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। और फिर से एक चार्ज है, जैसे कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये इधर आएगा और ये भी इधर आने खोजेगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेम चार्जेस, अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब सेम चार्जेस आपका अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। एंड डिफरेंट चार्जेस, रिपल टू ईच अदर, जैसा कि आपको बताया जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपल करेगा, और जो अलग अलग चार्ज है जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी एक दूसरे को ढकेलेगा, या तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। अनदर पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यों, इसे क्यों से डिनोट करा जाता है, एंड ऐसा यूनिट इज कूलोम, इसका ऐसा यूनिट जो होता है आपका कूलोम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग होता क्या है, आपने बचपन में स्कूल में करा होगा कि जैसे कि स्केल आप लेते होंगे और कागज़ के टुकड़ों को फाड़ते हैं, और फिर उसके बाद माथे में रगड़ने के बाद अगर कागज़ के टुकड़े के ऊपर स्केल रखते हैं तो वो उसमें चिपक जाता है। फिर आपने ध्यान दिया होगा कि ठंड के दिनों में जो मच्छरदानी होता है उसे जब हम लोग ऐसे रब करते हैं तो फिर वो चट 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 करके साउंड निकालता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग। ये जो ये एक तरह का फोर्स होता है। और फिर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि ठंड के दिनों में जब हम लोग कपड़ा कोई पहनते हैं तो उसके बाद वो चिपकने लगता है उसमें, या कभी हम लोग किसी चीज़ के नज़दीक जाते हैं तो हमारा रोया खड़ा होने लगता है सारा। तो ये सारे जो फिनोमिना है ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग के अंदर आता है। तो इसका डेफिनेशन फिर हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग इज एंड अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज वेरी कॉमन नेचर। ये जो है आपका नेचर में बहुत कॉमन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किलिंग इज एन अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन का एक फोर्स है, और ये बहुत ही नेचर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। फिर इसमें हमारा टॉपिक है हाउ टू चार्ज अ बॉडी। जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे कि मैं आप या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आता है आपका दो मेथड, पहला बाय रबिंग और बाय कंडक्शन। तो पहला, देयर आर टू वेज टू चार्ज अ बॉडी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, रबिंग, रबिंग। सेकंड आपका हो जाएगा बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब आपका होता है कांटेक्ट, मतलब किसी के टच में। हम लोग देखते हैं कि रबिंग क्या होता है, रब मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, दो चीज को रगड़ना आपस में, तो यही आपका रबिंग कहलाता है। तो जैसे आपका एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, ए एंड बी, ठीक है, तो इसमें भी कुछ चार्ज जैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये अभी इक्वल चार्ज है, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, और इधर
मतलब कि ये न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कि जीरो चार्ज है, और फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका चार्ज क्या है, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है। अगर हम लोग इन दोनों को अगर एक दूसरे के से रब करते हैं, मतलब अगर इतना बड़ा बॉडी, ऐसे तो इतना बड़ा बॉडी इसमें बहुत इन नंबर ऑफ चार्जेस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पर कोई भी जब बॉडी होता है मतलब नॉर्मल स्टेट में, तो उसमें जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ चार्ज नेगेटिव रहता है उतना ही नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव रहता है। जब हम लोग इसमें रब करते हैं तो क्या होता है, कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ये होता है इलेक्ट्रॉन ई माइनस। हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं मतलब लास्ट पहले के क्लासों में, जैसे 9-10 में, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन एक होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रब करेंगे ना, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से उछल के इसमें चला जाएगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कि यहाँ का एक दो, जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया। तो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और माइनस में, आप यहाँ यहाँ समझिए दो इलेक्ट्रॉन प्लस में है, दो प्रोटॉन प्लस में है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये जो बॉडी हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यानी क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया, ये जो बॉडी है आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये जो बॉडी है आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बाय रबिंग हम लोग जो भी रहता है बॉडी उसे हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरा बॉडी में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका चला गया, और ये आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज उसमें ज्यादा है, इसमें नेगेटिव चार्ज कम है, जिसके कारण ये पॉजिटिव भी चार्ज है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रबिंग के जो मेथड है उसके द्वारा कैसे एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक बॉडी चार्ज होता है। तो कंडक्शन में आपका हम लोग एक बॉडी लेते हैं, मान के चला कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी ली है, इसमें एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सारा आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर एक बॉडी लेते हैं, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पे जीरो चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो कंडक्शन में आपको बताया कि जैसे कि कॉन्टेक्ट होता है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है आपका जीरो चार्ज। अब जैसे ही हम लोग एक दूसरे इसको टच करेंगे, एक दूसरे के से कॉन्टेक्ट मिलाएंगे, कंडक्ट करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जो चार्जेस हैं कुछ चार्जेस, जैसे ही इसको टच करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को में टच होने के बाद न्यूट्रल, कोई भी चीज़ जो है नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव, वो हमेशा न्यूट्रल होना चाहता है, मतलब कि वो चार्ज को अपने जीरो करना चाहता है। तो ये नेगेटिव है तो क्या चाहेगा कि मेरे पास पॉजिटिव आ जाए, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो जीरो है ये तो अपना नॉर्मल रहना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ से जो है नेगेटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो जैसे कि ये जो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि कभी भी हम लोग देखते हैं कि किसी कोई प्लेस पे अगर गंदा पानी ढेर सारा है, गंदा पानी, और उसको हम लोग किसी अच्छे पानी में मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, गंदा पानी सारे पानी को ख़राब कर देता है, मतलब पूरा बड़ा साइज का भी अगर अच्छा पानी है तो सारे में मिक्स हो जाता है,
तो वैसे ये क्या निगेटिव चार्ज था, तो ये जितना भी निगेटिव है वो सारा जो भी न्यूट्रल है उसमें सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जितना हो सकेगा वो चाहेगा न्यूट्रल करने अपने बॉडी को। तो इससे क्या होगा कि ये जो बॉडी, जैसे कि ये आपका ए है ये बी है, ठीक है, तो बी जो अब आपका है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि प्रोटॉन जो आपका यानी पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो तो सर्टेन नंबर है, मतलब कि परफेक्ट नंबर पे है, मतलब वो बढ़ कहीं से आ तो नहीं रहा है क्योंकि इसमें टच हो रहा है, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। जैसे आप, जैसे यहाँ पे मान के चलिए पांच पॉजिटिव चार्ज था और पांच नेगेटिव था, पांच नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका था 10 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा तो 15 हो गया यहाँ पे, तो दोनों को मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या करेगा, यहाँ दोनों को ही साथ साथ लगभग रखेगा, ये साथ रख लेगा अपने पास, उसके बाद ये भी साथ रखेगा, तो यहाँ पे दो ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी बॉडी जो रहता है वो आपका कंडक्शन के द्वारा चार्ज होता है। तो ये जो आपका चार्ज होता है ये, इसमें आपका बॉडी फुली चार्ज नहीं हो पाता है, इन कंडक्शन बॉडी डोंट गेट फुली चार्ज, मतलब कि बॉडी पूरा फुल चार्ज नहीं होता है। और आफ्टर टचिंग ये जो आपका है ए बी, ये तो आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये तो आपका पहले से नेगेटिव था, पॉजिटिव तो इसमें आया नहीं तो ये नेगेटिव ही है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इसमें क्या होता है, सीरीज मतलब कोई भी नॉर्मल सीरीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो इसमें देखते क्या होता है, वेन टू ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रब्ड टुगेदर, वेन टू ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रब्ड टुगेदर फॉर्मर इन सीरीज विल बी पॉजिटिव चार्ज। And other will be negative charge। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो है दो को, उसको हम लोग अगर रगड़े रब करें एक दूसरे से, तो एक सीरीज है उसमें जो जितना सीरीज का जो भी मतलब मटेरियल है वो आपका हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो भी दूसरा मटेरियल है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें आपका पहला आ जाता है ग्लास, ग्लास को किसी के साथ भी अगर रब करें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो ग्लास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो अपोजिट वाला आपका मटेरियल होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद आता है आपका फ्लेनल, थर्ड है आपका वुड, चौथा सिल्क, फिर पांचवा हो जाएगा आपका हार्ड रबर, छठा आपका हो जाएगा वैक्स, रेजिन, प्लास्टिक, और आठवा आपका हो जाएगा सल्फर। तो ये आपका कुछ एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का। तो ये जैसे कि इधर से इधर अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होल्ड करने का कैपेसिटी है वो घट रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजिंग। मतलब आपका क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई बॉडी छोड़ेगा तो उसका मतलब क्या है, उसके पास प्रोटॉन जो है आपका यानी पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो एक्स्ट्रा है, जिसके कारण ना वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर किसी बॉडी को रगड़े हैं गिलास, फेनल और वुड इत्यादि के साथ, तो आपका जो ग्लास जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आप समझ गए गाइस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है। ये इसमें जो ग्लास है वो हमेशा किसी भी चीज़ के साथ, ग्लास जो है हमेशा ही आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप जो है आपका, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, जो हम लोग को ये मदद करता है कि किसी ऑब्जेक्ट में वो चार्ज है या नहीं है, चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट विच हेल्प्स टू नो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, जो चार्ज का प्रेजेंस को आपको बताने में मदद करता है या जानने में, बाय यूजिंग रिपल्सन फोर्स, फोर्स ऑफ चार्ज। तो ये आपका हो जाएगा, मान के चलिए ये आपका मशीन है, आपका यानी कि औजार, अति इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मदद करता है। तो ये क्या है आपका? मेटल डेस्क। फिर आपका हो जाएगा मेटल रॉड। ये आपका क्या है? गोल्ड लीफ। आइए आपका ग्लास। गोल्ड लीफ, इसका जो नाम हो जाएगा आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो स्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये जो आपका है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग को पता करना है कि चार्ज इसमें है कि नहीं, तो जैसे यहाँ पे चार्ज इंटर हुआ, जैसे रोड में चार्ज इंटर हुआ, तो ये तो नॉर्मल चार्ज है। फिर अगर ये इसमें से नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर से, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा? इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपल करने लगेगा, जैसे हम लोग को पता चलेगा क्या कि इसमें चार्ज है, या तो फिर पॉजिटिव चार्ज आता है तो भी तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा। तो बाय रिपल्सन, जैसे ही इसमें चार्ज होगा इंटर करेगा, तो ये एक दूसरे से दूर भागेगा, यानी ये जो है ये पॉइंट आपका उधर जाएगा, ये पॉइंट आपका इधर आएगा, तो जिससे हम लोग को पता चलेगा कि जो भी बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है। गाइस यहाँ पे एक नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये क्या होता है? व्हेन अ बॉडी, सॉरी, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी गेट्स डिस्चार्ज, इट क्रिएट्स स्पार्क विथ साउंड, लाइट प्लस साउंड। ट्रांसफार्मर में लाइट लाइन होता है यानी करंट होता है, और वो डिस्चार्ज होता है कभी कभी, तो वो जलता है ऊपर में, आप लोग कभी देखे होंगे। या तो फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जो आकाश में बादल होता है वो एक दूसरे से टकराता है, तो कभी कभी वो कभी कभी वो जो बादल होता है वो लाइट हम लोग को देखने मिलता है, जब बादल कड़कता है, बिजली कड़कता है, तो वो जो लाइट देखने मिलता है वही एक्चुअल में स्पार्क होता है। तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि जो चार्ज रहता है वो अपने चार्ज को डिस्चार्ज करता है, तो जिसके कारण हम लोग को साउंड के साथ लाइट भी दिखाई देता है, और वो फिनोमिना जो होता है उसे हम लोग स्पार्क बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एटमोस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इन एटमोस्फेयर, इन इन्वायरमेंट, जो हमारा वातावरण है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी इस पार्क को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था बादल का। तो बादल जब स्पार्क करता है, यानी कि अपने अपने आप को जो डिस्चार्ज करता है, अपना जो भी चार्ज है उसको डिस्चार्ज करता है, तो एक साउंड क्रिएट करता है स्पार्क, और लाइट क्रिएट, साउंड प्लस लाइट क्रिएट करता है, यानी स्पार्क क्रिएट करता है। तो वो जो बिजली होता है उसे ही हम लोग एटमोस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाए, मतलब इसका मतलब हो जाएगा व्हेन क्लाउड्स रब्ड टुगेदर, व्हेन क्लाउड्स रब्ड टुगेदर चार्ज्ड जनरेटेड एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज साइनिंग लाइन लाइन स्पार्क विथ साउंड क्रिएट्स, दिस इज कोल्ड एटमोस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जब चार्ज, मतलब कि जब बादल जो होता है एक दूसरे के साथ रब करता है, तो कोई भी चीज़ जब रब करता है उसका मतलब उसे क्या होता है, नहीं बॉडी चार्ज होता है। जैसे कि हम लोग बता चुके हैं आपको कि कोई भी जो बॉडी होता है उसे चार्ज करने का दो वे है, एक रबिंग एंड एक कंडक्शन। तो रबिंग से क्या होता है, एक बॉडी जो बादल रहता है वो चार्ज होता है, चार्ज हो जाता है, और फिर जब वो डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने के दौरान साइनिंग लाइन, जो हम लोग को बादल जब भी कड़कता है या बिजली कड़कता है तो हम लोग को एक लाइन दिखाई देता है, फिर वो जो लाइन होता है स्पार्क विथ साउंड क्रिएट्स, बहुत ज़्यादा साउंड के साथ वो लाइट क्रिएट करता है। तो ये जो फिनोमिना है इसे ही हम लोग, दिस इज कॉल्ड एटमोस्फेयरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे हम लोग एटमोस्फेयर का इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज होता क्या, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, मतलब कि एंड फर्दर इट इज इट कांट बी डिवाइडेड, मतलब कि जो भी सबसे स्मॉलेस्ट जो बॉडी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और उसे हम लोग फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे कि मान के चलिए ये बोर्ड है, अगर इसमें चार्ज है तो इसे हम लोग एलिमेंट्री चार्ज नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसे हम लोग बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज बिकॉज नो एनी पार्टिकल स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन कैन हैव चार्ज, मतलब कि कोई भी स्मॉलर जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से उसके पास चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल इसके पास चार्ज है। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें आपका पहला क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पढ़े परमाणु यानी एटम के बारे में, कि जैसे एक एटम है तो ये आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में और प्रोटॉन भी रहता है न्यूक्लियस में, पर न्यूट्रॉन आपका कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये जो थ्योरी है मतलब इसी को देखते हैं कि ये आपका न्यूट्रल है, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं है और सेंटर में बस पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा जो भी न्यूक्लियस हो,
न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि जो भी न्यूक्लियस वो हमेशा नेगेटिव होगा और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर सेकंड, दे आर इक्वल इन नंबर एंड सो नेट चार्ज इज जीरो। जैसे कि कोई भी परमाणु जो आपका है यानी एटम, उसमें जितना नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनों का उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा यानी प्रोटॉन। तो जिसके कारण बॉडी जो है कोई भी वो हमेशा जीरो चार्ज होता है, या प्रोटॉन जो एटम हो वो हमेशा जीरो चार्ज होता है। ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड एंड प्लस माइनस एक्सचेंज एंड बॉडी बॉडी बिकम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई भी बॉडी जो है उसको हम लोग रगड़ेंगे यानी रब करेंगे तो वो जो बॉडी है इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करेगा, तो एक बॉडी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा पॉजिटिव, यानी कि बॉडी बिकम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट है आपका चौथा, इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1837 गुना लाइटर देन प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन से आपका 1837 गुना हल्का होता है। मगर चार्ज के मामले में जितना प्रोटॉन में चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। फिर आपका पांचवा आपका है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि जो भी करंट होता है यानी इलेक्ट्रिक होता है वो सारा जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन ही आपका चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर छठा आपका हो जाएगा, तो चार्जेस जो आपका कोई भी चार्ज वो हमेशा पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जो वैक्यूम होगा यानी निर्वात होगा जहाँ कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे चार्ज वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। सिंस चार्जेस आर कैरिड इन पार्टिकल्स सो इन वैक्यूम चार्ज कांट ट्रेवल, चार्ज जो है वैक्यूम में आपका ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका कुछ रूल कह सकते हैं हम लोग या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज मास रिलेशन। चार्ज और मास में क्या रिलेशन है, फिर यहाँ पे देखते हैं। पहला आपका हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी आर मोर हैवी, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज के वो थोड़ा ज़्यादा भारी होगा। और सेकेंड आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज आर लाइटर, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी वो आपका लाइटर होगा इन कंपेयर ऑफ नेगेटिवली चार्ज।
तो फिर इसके बाद है आपका कि एक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन में आपका हो जाएगा चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलोम। आप लोग को याद होगा मैंने जब चार्ज पढ़ाया था तब आपको बताया था कि चार्ज का ऐसा मात्रक कूलोम होता है। फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, वेट वो कितना होता है, तो वेट हो जाएगा 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। अगर इसे हम लोग ग्राम में करते हैं तो आपका हो जाएगा 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 28 ग्राम। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइज़।